नमस्कार, आप देख रहे हैं हाँ से क्या आवाज। 4.5 साल से, यानी कि जब सरकार थी तो लोगों को फैमिली आईडी को लेकर, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, परिवार पहचान पत्र को लेकर, राशन कार्ड को लेकर, बुढ़ापा पेंशन को लेकर, विधवा पेंशन को लेकर, दिव्यांग पेंशन को लेकर, बिजली की समस्या को लेकर और पानी की डायर प्रॉब्लम को लेकर दर दर भटकना पड़ता था। अब चुनाव नज़दीक आ गया है तो पीछे से सरकार ने एक डायरेक्टिव इशू किया है कि इसे सेंट्रलाइज करके कि समाधान शिविर लगाया जाए। आज समाधान शिविर का 4th दिन है, 10 जून से ये शिविर लगा है। यहाँ SDM, तहसीलदार व अन्य अधिकारी भी जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम इनकी सुनेंगे। 4.5 साल तक लोगों को भटकना पड़ा है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी है और अब जो जो चुनाव नज़दीक आ रहा है तो इनकी समाधान का, इनका समाधान निकालने का तरीका सरकार ने एक सेंट्रलाइज समस्या सुनने का तरीका निकाला है। और ये 10 जून 2024 से स्टार्ट है। प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक कमरा नंबर 8 के अंदर सारी समस्याओं का हल किया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिवली। क्या हल होगा नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहन जी से जानते हैं, बहन जी क्या बनवाना आपको? फैमिली आईडी हमारी माइग्रेट हो रही है बाहरली स्टेट में और मैंने 10 चक्कर काट लिए, डर कोई सुनवाई नहीं होती। और के नाम है हिसार जा लिए और उस दिन डीएम बैठे थे, कौन बैठे थे, 4 दिन पहले वहाँ भी जब भी आए थे जब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और कितने दिन हो गए धक्का खाते हुए? हमने कम से कम 2 महीने हो गए। आपको बहन जी क्या प्रॉब्लम है? फैमिली आईडी बनवाना। पहले भी धक्के खाए हैं? नहीं, आज ही आए। आज ही आए हैं। आप बताओ जी भाई साहब, बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस लाइन से जो है ना आप अंदाजा लगा सकते हो कि BJP क्यों आ रही। अब ये देखो कि जो है ना कितने रिक्वेस्ट जो है ना ऑनलाइन पेंडिंग पड़ी है। कंप्यूटराइजेशन का फायदा क्या है ये बताओ आप। ये 2 महीने से जो है ना मेरी पेंडिंग पड़ी है, सिर्फ ये है। क्या है ये आपका? भाई लड़का जो है ना लिख रखा है अनएम्प्लॉयड। मैंने कहा कि इसकी स्टूडेंट कर दो, स्टूडेंट का आई डी कार्ड लगा दिया। 2 महीने से पेंडिंग पड़ी है। अच्छा, फैमिली आईडी की प्रॉब्लम है। अच्छा, अब ये देखो इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी लगा दी है लेकिन इनकम ठीक नहीं करे लड़के की जो है स्टूडेंट है, उसकी क्या इनकम है बताओ भाई। अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो रिजेक्ट कर। कितने महीने हो गए धक्के खाते? 2 महीने हो गए जी। पहले तो इलेक्शन लड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। अब ये बताओ ऑनलाइन एक क्लिक से जो है अप्रूव हो जाती है? बताओ। ये जी मेरा कार्ड कटो है, पहला तो गुलाबी कार्ड था। ये कार्ड के प्रॉब्लम वाले व्यक्ति हैं। मजदूर आदमी हूँ मैं, मजदूरी करता हूँ, कुंडी ढोता हूँ और ये शुरू से भिड़ते ही कट गया। इनकम इतनी कर रखी 5 लाख कोई मेरा था, यानी कि 1,80,000 से जाके आपकी 5 लाख इनकम कर दी। हाँ ये देखो पहले ये BPL कार्ड कट गया। हाँ ये देखिए रे, हाँ बिल्कुल गुलाबी कार्ड था पहला। कितने साल गुलाबी कार्ड था? 1 साल हो गए कटे हुए। 1 साल हो गए धक्के खाते। हाँ ये शुरू में ही कट गया भिड़ते हुए। 1.25 साल से जी बुढ़ापा पेंशन से मैं परेशान हूँ और मैंने सारे कागज कंप्लीट 10 पे कर लिए हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी विंडो मैंने लगा लिए सारे आईडी मैंने दे दी। तो इस शिविर से उम्मीद है आपको कुछ? देखो जी चलो बताइए भाई साहब। भाई साहब फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा हो रही है, ठीक कराने के लिए खड़े हैं और अच्छी पहल है सरकार की। अगर ये कारगर होती है, सिद्ध होती है तो अच्छी पहल है, आम आदमी ने समस्याओं से निजात मिलेगी। समस्या है क्या? हाँ हाँ, एक यासी कंपनी आई थी जिसने प्रॉपर्टी आईडी का यानी प्रॉपर्टी का सर्वे करवाया था, वो फेल हो गई। सरकार ने उस पर एक्शन लिया नहीं लिया, लोगों की सारी प्रॉपर्टी गलत करवा दी। आइए अधिकारियों से जानते हैं कि ये शिविर का 4th दिन है समस्याओं का समाधान का, कि क्या ये वर्थ निकल के आएगी, क्या वाकई समस्याओं का समाधान होगा इससे। आइए, हमारे देश का मिजाज ऐसा है कि जब समस्याएं नासूर बन जाती है ना, सरकार भी डायरेक्टिव इशू करने शुरू कर देती है, समाधान शिविर। इससे पहले लोगों बड़े आजिज थे फैमिली आईडी को लेके, प्रॉपर्टी आईडी को लेके, पानी की प्रॉब्लम को लेके, बुढ़ापा सम्मान पेंशन को लेके, विकलांग पेंशन को लेके और अन्य पेंशन को लेके और अपनी इनकम को सर्टिफिकेट को लेकर। लेकिन सरकार ने अब सुध ली है, चुनाव नज़दीक है, वाकई लेनी होगी सुध तो चुनाव में अगर आगे आना है तो। मैं जानूंगा कि ये आज समाधान शिविर का 4th दिन है, यहाँ पूरे अधिकारी हैं। रोज़ाना मैं प्रेस नोट भी लगाता हूँ आपके पत्राचार के माध्यम से समाचार में। तो SDM साहब, वर्दी SDM मोहित मैराना जी हमारे साथ हैं, उनके साथ में डॉक्टर अनिल कुमार जी बिढान जो तहसीलदार हैं, अन्य अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं। सर
ये कब डायरेक्टिव इशू हुआ और क्या क्या प्रॉब्लम यानी कि समाधान करने के लिए आपने ये चौथे दिन आप कैंप में पहुंच गए हैं, कितनी समस्याएं और कौन समाधान किया है? बंसल जी, मंडे से हमारा ये कैंप स्टार्ट हुआ है और सरकार के जो आगामी आदेश रहेंगे तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। हालांकि हमारा जो ट्रिपल पी की जो प्रॉब्लम्स होती थी, प्रॉपर्टी आईडी की प्रॉब्लम्स होती थी, वो सारी पहले भी रिजोल्व की जाती थी लेकिन अलग अलग ऑफिसेज में होती थी। तो अभी समाधान शिविर है यहाँ पे, हमारे बिजली विभाग से भी एम्प्लॉई हैं, प्रॉपर्टी आईडी के लिए म्यूनसिपल काउंसिल से भी हैं और हमारे प्रॉपर्टी आईडी से रिलेटेड जितने ऑफिशियल हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और रेगुलर अब थोड़ा जो चेंज ये है कि मैं रेगुलर पर्सनली यहाँ बैठ के हर एक प्रॉब्लम को मॉनिटर कर रहा हूँ, तो ये उसमें जो सरकार का नया डायरेक्टिव है उसके अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। सर, अगर सभी विभाग समय से स्ट्रीमलाइन हो जाते तो आपको बैठने की जरूरत नहीं होती, आपके मात्र सर्वेलेंस से ही काम होता। नहीं, अभी भी मैं सर्वेलेंस ही कर रहा हूँ, पहले भी सर्वेलेंस था, हमारा काम पहले भी बहुत अच्छा चल रहा था और अभी भी हमारा काम, जो हमारे सभी कर्मचारी हैं आप देख सकते हैं, बड़ी तन्मयता के साथ, बड़े ही अच्छे स्वभाव के साथ लोगों के प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, उनको रिजोल्व कर रहे हैं। नहीं, मैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि वहाँ रिजोल्व नहीं आ रही थी, हो रही थी, तो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सबकी समस्याएं आपको ही सुननी पड़ रही हैं। हो सकता है, देखो हमारा काम है कि जनता की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको टाइमली रिजोल्व करें और हो सकता है एक आधे डिपार्टमेंट की कोई प्रॉब्लम रही हो, किसी पर्टिकुलर कोई समस्या रही हो, लेकिन अभी हमारे सारे जो विभाग के एम्प्लॉई हैं मेरे सर्विलेंस में, हमारे मॉनिटरिंग के अंदर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने बिजली विभाग के, नगर परिषद के और अन्य जो पब्लिक हेल्थ के सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को यहाँ बुला रखा, तलब कर रखा है? हाँ, जो जो जिस जिस डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम होती है, सबकी समस्याएं तो आपके टिप्स पे नहीं होती हैं। क्या होता है बंसल जी कि कुछ डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम होती हैं पोर्टल रिलेटेड होती हैं, तो हमारे जितने डिपार्टमेंट जिनके पोर्टल हैं उनकी यहाँ पे हैं। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनकी प्रॉब्लम फील्ड से रिलेटेड होती है, ऑफलाइन होती है, जिनको फील्ड पे, जैसे पानी की समस्या है, मैं उनको यहाँ बिठाऊँगा, इससे अच्छा है जो डिपार्टमेंट है उनकी कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं उनको डायरेक्ट करता हूँ और वो फील्ड पे जाकर उसका समाधान करते हैं। सर, ऐसे नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कम से कम 50 कैंप लग चुके और लोगों की जब मैंने अभी बाइट ली है ना, वो इतने आजीज हैं आज भी कि हमें दो दो महीने, तीन तीन महीने, हमारी बुढ़ापा पेंशन नहीं, मैं एक मजदूरी करता हूँ, मेरी 5 लाख से ऊपर यानी कि इनकम शो कर दी, ऐसे ऐसे केसेस बाहर खड़े हैं, तो इनकी समस्याओं का कम्युलेटिव अभी क्या चीज़ आया है बंसल जी कि सरकार की तरफ से ये डायरेक्टिव आए हैं कि पहले ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हम प्रॉब्लम रिजोल्व करते थे, अभी सरकार के द्वारा डिपार्टमेंट्स को, क्रेडिट डिपार्टमेंट को ये पावर दी गई कि ऑफलाइन भी अपने स्तर पर वो प्रॉब्लम का रिजोल्व कर सकते हैं। और इसलिए भी हमारे अब कल से भी कैंप स्टार्ट होंगे और उम्मीद करता हूँ कि जो लोगों की समस्याएं रही हैं उनका टाइमली हम अब और जल्दी से समाधान कर पाएंगे। ये कैंप कब तक चलेगा, कोई है इन्फिनिटी है इसकी? नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया, अभी तक ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है और अच्छा है कि लोगों को एक सेंट्रलाइज वे में लोगों को यहाँ बेनिफिट मिल पा रहा है उनकी समस्या रिजोल्व करने के लिए। अच्छा, टाइमिंग्स क्या रहेंगे आपके यहाँ पर? टाइमिंग्स हमारा 9 बजे से लेकर 11 बजे तक है। 9 से 11 बजे तक? 9 बजे से 11 बजे तक मैं यहाँ बैठकर मॉनिटरिंग करता हूँ, अदरवाइज हमारे जो डिपार्टमेंट के जो ट्रिपल पी का काम है, आधार का काम है, प्रॉपर्टी आईडी का काम है, वो 9 बजे से लेकर और शाम जब तक लोगों की प्रॉब्लम आ रही है 5 बजे तक, 5:30 बजे तक हमारे एम्प्लॉय बैठे रहे कि उनकी प्रॉब्लम रिजोल्व करते हैं। नहीं, इम्प्लॉयज़ तो आप ही के यानी कि डिटेंट करने से बैठे रहते हैं, आप जब तक बैठे हैं, देखो जब तक कंप्लेनेंट आ रहे हैं मेरे इम्प्लॉय यहीं पे बैठे रहते हैं। अच्छा, समस्याओं का समाधान होगा। बिल्कुल। ये थे मोहित महराना जी, एसडीएम साहब, इनको कहना है कि जब भी पीछे गई जो भी डिपार्टमेंट में समस्या थी उनका हम सेंट्रलाइज समाधान करेंगे, ऑनलाइन तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन एक डायर प्रॉब्लम है पानी की, नहर आने के बाद भी हाय हाय ताता हो रही है पूरे शहर के अंदर। कल भी मैं देख रहा था वार्ड नंबर 12 के सड़कों पे आ गए, वार्ड नंबर 4 के सड़कों पे आ गए, यानी कि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट क्यों नहीं करते हैं? क्या इरिगेशन का और पब्लिक हेल्थ का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता कि नहर इतने दिन में आएगी, हमें पानी यानी कि स्टोरेज करके रखना चाहिए? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्या था कि बिजली जो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसका कुछ मरम्मत का काम चल रहा था जिसकी वजह से हमारा मुनकैट से पानी आने में देर लगी। जो नहर हमारी 7 तारीख को आनी थी वो 10 तारीख को आई है,
जैसे क्योंकि 3 दिन एक बहुत लंबा गैप होता है और बीच में जो लोगों का लोगों की जो परेशानी थी वो इस वजह से थी क्योंकि राशनिंग पानी की गई। कभी किसी के घर में मान लो 45 मिनट पानी आता था और उसको 10 मिनट का ही पानी दिया गया, तो उम्मीद है लोगों को ये था कि हमें भी 45 मिनट पानी मिले, तो लोगों की निराशा थी वो जायज़ थी। लेकिन इसमें विभाग के अधिकारी, क्योंकि मैं भी टाइम टू टाइम उनको मॉनिटर कर रहा था, उनकी कोई ऐसी नहीं थी कि उनकी तरफ से कोई लापरवाही हो। जैसे ही नहर में पानी आया है, ये तो आप भी समझते होंगे कि नहर में पानी आएगा तो टैंकर भरने में टाइम लगेगा। जैसे ही टैंकर हमारे फुलफिल हो रहे हैं, आज से हमारा रेगुलर सप्लाई स्टार्ट होगी है और उम्मीद करता हूं कि अभी लोगों को और किसी प्रकार की समस्या पानी की नहीं है। हर बार आती है, स्टॉप गैप अरेंजमेंट क्यों नहीं होता है? आप मेरे को एक बात बताइए, हमारे पास जो वाटर टैंक है, जब नहर आगे से पानी की सप्लाई कम होगी तो उसमें स्टॉप गैप अरेंजमेंट यही है ना कि हम उनकी राशनिंग की करें पानी की और ट्यूबवेल के जरिए सप्लाई करें। हमने राशनिंग की, उसमें लोगों को दिक्कत हुई तो लोगों ने निराशा जाहिर की, वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट ही था। समस्या नहीं आई अभी मेरे को नहीं लगता, क्योंकि रेगुलर सप्लाई आज से स्टार्ट होगी और किसी को किसी प्रकार की पानी की समस्या नहीं आएगी। अगर किसी को आती है तो तुरंत मैं विभाग के अधिकारियों को कह रखा है, अगर किसी को भी समस्या आती है किसी एरिया में, सपोज सप्लाई में थोड़ा बहुत इश्यू आता है, तो तुरंत वहाँ पर वाटर टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई की। SDM साहब और तहसीलदार बड़े पॉजिटिव हैं, तहसीलदार साहब और इनका पूरा स्टाफ कहते हैं कि समाधान शिविर से हम सारी समस्याओं का हल कर देंगे। देखते हैं कि इन समस्याओं का समाधान होता है या ऐसे ही स्टैंड बाई ये इनकी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी और फिजिकल भी, और शॉप फ्लोर पर भी जाके ये सर्वेलेंस करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा कि समाधान शिविर का कितना लोगों का फ़ायदा मिला है। देखते रहिए हंसी की आवाज़। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, धूप बहुत तेज़ है, डिहाइड्रेशन का डर है, अपना खुद का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।